दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि फैजी हादिया को तलाकनामा भिजवा देगा जबकि रमशा को अपने घर ले आएगा। सफदर साहब रमशा की असलियत जानता है इसीलिए वो फैजी से झगड़ता है कि तुमने रमशा से शादी क्यों की। लेकिन जब फैजी सफदर साहब को ये बताता है कि रमशा माँ बनने वाली है तो सफदर साहब को मजबूरन रमशा को अपने घर रखना पड़ता है। जबकि दूसरी तरफ फैजी की फैक्ट्री भी बिक चुकी है और जुहेब का दोस्त फैजी के सारे पैसे लेकर भाग जाएगा। और जब इस बात का पता सफदर साहब को चलेगा सफदर साहब की आंखें खुलेंगी कि सारा कसूर फैजी का था जबकि राजी और हादिया को मेरी नजरों में गिराने वाला भी फैजी है। तो दोस्तों ये सब कुछ देखेंगे आप आने वाली एपिसोड में।